नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नकोदर के मोहल्ला गौस में दिन दिहाड़े गुंडागर्दी का हुआ नंगा नाच। सैलून में घुसकर युवकों ने की तोड़फोड़, चलाई गोली। नकोदर के सुंदरनगर मोहल्ले में चोरों ने दिन दिहाड़े घर को बनाया निशाना। सोना, $800 और 15,000 की नकदी चोरी कर हुए फरार। होशियारपुर में स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने एक दुकान में की छापेमारी। एक्सपायरी डेट के पानी और जाली पनीर को किया नष्ट। और अब हलचल विस्तार से। जिला जालंधर के नकोदर के गौस मोहल्ले में उस समय दहशत का माहौल हो गया जब मोहल्ले में बने एक सैलून में करीब 8-10 युवक मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए और सैलून में घुसकर तोड़फोड़ की और एक युवक पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और दूसरे को गोली मार दी। संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित हर्ष ने बताया कि बीती 15 अगस्त को उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश के चलते उक्त लोग आज सैलून में आए और मारपीट करने लगे। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस हमले का कारण पुरानी रंजिश है या फिर नहीं, अभी इस बात का पता लगाना बाकी है। फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है। नकोदर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਹਰਸ਼। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਇਹ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਰੋਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਸਲੂਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੜਾਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਲੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਫੈਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ? ਆਪਣੀ ਜੀ ਨਿਊ ਜਨਤਾ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ? 8-10 ਜਣੇ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੋਰਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਮਤੀ ਨਰੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਰਸ਼, ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਤਲ ਮਾਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦਿਖਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਝਗੜਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਲੜਾਈ ਝੜਾ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? जालंधर के नकोदर के सुंदर नगर मोहल्ले में चोरों ने दिन दिहाड़े एक घर को निशाना बनाकर घर में पड़ी नकदी, डॉलर और सोने के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए घर के मालिक नरेश कुमार ने बताया कि वे अपनी दुकान पर थे और उनकी धर्मपत्नी किरण बाला जो कि टीचर है, वे अपने स्कूल में थी। उन्होंने बताया कि दोपहर के समय चोर उनके घर की दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और कमरे की खिड़की तोड़कर घर में पड़ी अलमारियों को तोड़कर उसमें पड़ा सोना, $800 और 15,000 रुपयों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तुसी स्कूल गए सी जी? हां जी, मैं स्कूल गई सी, मैं 2:30 बजे आनी है, 2 बजे ते छुट्टी हुंदी, मैं 3:30 बजे आनी इत्थे। अच्छा, 3:30 बजे जदों घर आए तुसी उदों पता लगा तुहानूं? जदों मैं घर आई हां, मैं बाहर लॉक लगा होया सी, बाहर लॉक मैं खोलिया, फिर मैं लॉबी दा लॉक खोलिया, लॉबी दा लॉक भी लगा होया सी, फिर बाहर यार टुट भज, जे मैं अंदर आई हां सारी टुट भज होई सी, सारीयां अलमारियां टुटियां पईयां सी, सारा समान खिलरिया पिया सी, विच कुछ समान नहीं आया सी। मैं फटाफट डरदी ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਠੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨੱਠ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਲੀ ਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤਾਰ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ।
होशियारपुर में एक्सपायरी डेट का पानी बेच रहे टांडा के एक दुकानदार पर जब जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखबीर सिंह की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम की ओर से छापेमारी की गई तो दुकानदार द्वारा बेचे जा रहे पानी के पैक बंद गिलास के ऊपर एक बड़ी कंपनी के ब्रांड के नाम के साथ मिलते जुलते नाम का मार्का लगा था, लेकिन उसके ऊपर ना तो बनाने वाली कंपनी का कोई नाम छपा हुआ था और ना ही उसके ऊपर पैक करने और समय संबंधी इस्तेमाल किए जाने वाली कोई तारीख छपी हुई थी। जांच के दौरान दुकान में एक बिजली की तार जाती हुई नजर आई। जब फूड सेफ्टी टीम ने इसका पीछा किया तो दुकान के पीछे एक बड़ा सा प्लॉट जो कि झाड़ियों से भरा हुआ था और उसके आखिर में एक छोटा सा कमरा था जिसमें फ्रिज लगे हुए थे, जिसमें नकली पनीर और गंदा पानी पड़ा हुआ नजर आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी टीम की ओर से उक्त सामान को जब्त कर उसके सैंपल लिए गए और एक्सपायरी डेट पानी को डंप में ले जाकर नष्ट किया गया। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष सोडी, रामलोभाया नरेश कुमार, मीडिया विंग से गुरविंदर शाह भी मौजूद रहे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। पानी का कापा ले बेटियां थी, अभी रिस्टोर करता है, इन्होंने कहा कि जिदा कहना अभी आगे तो नहीं बेचेंगे पानी। और से थानू लगता थी बेते कोई मार्का वगैरह हैगा पानी दे? नहीं, मैं डॉक्टर लखवीर सिंह जिला सेहत अफसर अज इतने टांडे खड़े हाँ। आप खन्ना गणपति डिस्पोजेबल शॉप है तो इन्होंने कोल जो ड्रिंक्स पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी वेख रहे हैं। पानी असं इतने देखा जोड़ा कि एक्वा कोई हैगा ड्रॉप, एक्वा ड्रॉप पानी बना, पता नहीं कितने बना। शॉप वाले जोड़े इतने लगभग अभी 125-150 पेटी जी पानी भी देखी खड़ी आ, उत्ते कोई मैनुफैक्चर डेट नहीं, कोई मैनुफैक्चर का कोई नाम नहीं है, अड्रैस नहीं है। जिदा तुम देख रहे हैं आ एक मार्क है जोड़ा ये होना चाहिए, ये भी मार्क है नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो पानी से मार्क होना चाहिए, फिर पानी पीण योग है, सेफ है, पानी सुरक्षित है, म्यारी पानी है, है नहीं गा। इस करके असं नहीं उन्होंने कहते पानी वो पीण योग है, असं नहीं उन्होंने डिकलेयर कर सकते पानी वो सही है। एशिया खेल 2023 में भारत ने जापान को हॉकी फाइनल में 5-1 के अंतर से हराया है। इस संबंध में चंडियाला गुरु के नज़दीकी गांव तीमोवाल के रहने वाले नौजवान हरमनप्रीत सिंह जो कि इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन हैं, उसकी बुआ और बुआ की पोती जिसे हरमनप्रीत सिंह अपनी बहन मानता है, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि उसके तीन भाई हैं और हरमनप्रीत सिंह उनके सबसे बड़े भाई का बेटा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि उनका भतीजा अपनी टीम के साथ गोल्ड मेडल जीत कर आया है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सानू बहुत वधिया लग रहा है, एशिया गेमां विच बेटे ने जिहड़ा वा एशिया गेमां विच गोल्ड मेडल जीतिया ते बड़ी फकर वाली गल है। एक कैप्टन होने ते भी सानू बड़ा गर्व महसूस होंदा ते असीं सारी टीम नू वधाई दिंदे कि साडे बच्चे ने जिहड़ा वा गोल्ड हासिल कीता। हरमनप्रीत 6वीं क्लास तो हाकी शुरू कीती, इन्हें करम सिंह अकैडमी दे विच सिखलाई लई, उस तो बाद इन्हें अपने सुरजीत सिंह हॉकी अकैडमी च ट्रायल दित्ते, उस तो इहदी सिलेक्शन हुई। मैनूं बहुत खुशी आ, मेरे भतीजे ने साडा नां, साडा मेरा ब्लड रिलेशन इत्थों तक पहुंचा, मैनूं बहुत ज्यादा खुशी आ। पंजाब में मेडिकल नशे के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई अवेयरनेस कैंप व मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर की ओर से भी पंजाब अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन मुहिम के तहत जागरूकता हेतु पैम्फलेट बांटे गए। इस मुहिम के तहत 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जालंधर शहर के सभी गांव व इलाकों में जाकर लोगों को मेडिकल नशे के प्रति जागरूक करवाया जाएगा। इस संबंधी जालंधर कचहरी के सेशन कोर्ट से जज निर्भय सिंह गिल की ओर से मेडिकल नशे के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि जालंधर व पंजाब में 1 महीने तक डॉक्टर टीम व मुहिम से जुड़े लोग गांव, रिहैब सेंटर, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक प्लेस, पार्क में जाकर मेडिकल नशे के प्रति जागरूक लेक्चर रैलियां करेंगे। इसके अलावा बच्चों के माता पिता से भी बात करेंगे ताकि उन्हें मेडिकल नशे और मेडिकल दवाओं के बीच के फर्क के बारे में बताया जा सके। इस अवसर पर जज गगनदीप कौर, जज परिंदर सिंह, जज अमित कुमार गर्ग, डीबीए के प्रेसिडेंट आदित्य जैन सहित समूह टीम मौजूद रही। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार पंजाब अगेंस्ट ड्रग अब्यूज कंपेन चलाया गया है। फॉर 1 मंथ असी ये कंपेन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चला रहे,
सारे वकील साहबान के सहयोग न और कोई 5,000 असी पैम्फलेट बन रहे जिदे विच असी सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स का असी वेरवा दिता है और ताकि अगर किसी कोई नौजवान जिन्हों उदी लोड़ है वो उदियां सेवावां लै सकदा है ताकि इहदी वध तों वध अवेयरनैस हो सके। असी ये समझते हैं कि जेडे ड्रग अडिक्ट ने दे आर पेशेंट्स सो उन्हां नूं इलाज की जरूरत है तो यह ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से विच जाके अपना इलाज करा सकते हैं। सर ये जो कैंपेन स्टार्ट की गई ये सिर्फ सेंटर तक ही सीमित रहेगी या फिर पिंड शहर जाके कोई कैंपेन भी चलाई जाऊगी? ये कंपेन सारे जलंधर जिले के चलाई जा रही है, इनफैक्ट सारे पंजाब चलाई जा रही है। रैलीज कढ़िया जाएगियां इस महीने के दौरान स्कूलों के कॉलेजेस के प्लेस के राही असी लोगों को जागरूक करांगे, रैलीज के राही लोगों को जागरूक करांगे। एशियन गेम्स में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया। गौरतलब रहे कि जालंधर के मिठापुर से भारत की टीम के लिए कई खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं, हमेशा से ही एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी यहां से निकला है। बात की जाए मनदीप की तो इस वक्त उसके घर में खुशी का माहौल है। पिता अपने दोस्तों के साथ भांगड़ा डालते दिखे और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। टीम के साथ बातचीत करते हुए हॉकी खिलाड़ी मनदीप के पिता रविंदर सिंह ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी है कि भारत की हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीती है। मनदीप ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वह रंग लाई है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में सभी को हॉकी का बहुत ज़्यादा शौक है, या ऐसा कह सकते हैं कि पूरे गांव को ही हॉकी का बहुत ज़्यादा शौक है। आगे बातचीत करते हुए मनदीप के पिता ने बताया कि बचपन में मनदीप को क्रिकेट का शौक था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह क्रिकेट खेलने जाता है तो उसे डांट लगाई गई थी कि वह हॉकी ही खेल ले गया। आज जब वह भारत का नाम रोशन कर रहा है तो उसे और पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो वहीं गेम्स के दौरान वह जख्मी भी हुआ था लेकिन अब ठीक है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मनदीप भाजी मुबारक बहुत बहुत। मनदीप भाजी मुबारक बहुत बहुत। मैं तो जी पहले तो पूरे इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंडिया के जो 18 प्लेयर है हॉकी इंडिया में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे प्रदर्शन साथ साथ में पंजाब के 10 प्लेयर हैं और 2 हरियाणा के हैं, अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे मार्जिन से हर मैच उन्होंने जीता है और गोल्ड मेडल लाकर इंडिया की जोड़ी में और साथ पंजाब की जोड़ी में डाला है। रविंदर जी, मिठापुर को मक्का माना जाता है हॉकी का और हमारे सभी प्लेयर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जब बात हो रही है मनदीप से क्या कहना क्या है उसका? मनदीप खुश है जी, मनदीप अपने परफॉर्मेंस में थे और सभी प्लेयर खुश है और हमारे जो गाँव के MLA प्रगट सिंह है वो भी हॉकी के ओलंपियन रहे हैं और हमारे गांव में एक्चुअली हमारे गांव में जी तकरीबन अच्छे प्लेयर चल रहे हैं जी, कोई किसी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में है अच्छे प्लेयर हैं जी। प्रैक्टिस कैसी रही थी, सारा कैसा रहा था जब जलंधर वापस आए थे तो अभी जब गए थे तो उससे पहले तक कैसी प्रैक्टिस चल रही? प्रैक्टिस अच्छी चल रही जी, उनके अच्छे कोच हैं जो हॉकी इंडिया के तो मैनेजमेंट भी अच्छी है, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे कोच होने से हॉकी इंडिया इस पर ऊपर लेवल में चले जी। जय गणपति सेवा सोसाइटी की ओर से 21वां वार्षिक माँ भगवती का जागरण मोहल्ला नंबर 23 और 24 के मध्य जालंधर छावनी में बड़ी श्रद्धा भाव से करवाया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कृष्ण कुमार महंत मैपी, हरविंदर कुकी और दीक्षा राठौर कोटा राजस्थान वालों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज एवं पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें सोसाइटी के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बांके बिहारी मंडल को प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू की ओर से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर प्रधान हरविंदर सिंह पप्पू, गुरशरण सिंह टक्कर, राजकुमार राजू, संजय कालड़ा, विकी जिंदल, मनु जिंदल, मोहित गर्ग, बॉबी, अंजू शर्मा, भूषी अग्रवाल, गीतांजलि, रितिका, हेजल, लक्ष्य, रणदीप, बालू, बिट्टू, किरण, कमल, काका, सुनीता, विजय, जानवी, सनी, गौरी, आकाक्षा, ममता शर्मा, राजेश शर्मा, उमा, शैली, विनीता, पूजा, रॉकी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन
जतिन राजपूत की रिपोर्ट। हर साल सेवा अपने छोटे वीर मिलने के लिए
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਊ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
रिश्ता ठोर जी की एक तमन्ना आ इन्हों आप किसी जरा माँ देवी तला के चरणों के इन्हों की हाजिरी लवानी है और थोड़े आशीर्वाद के नाल इन्हों आशीर्वाद दवाना हूँ रिश्ता ठोर जी जो कि महामई का गुणगान करे जो भी इनके पास लेट हो तो शक्तिपीठ देवी तला मंदिर में रामनवमी वाले नवरात्रों में आके हाजिर लगवाए और ये भूषण जी पप्पू जी आप इनसे समय लेके बलदेव नंद जी को बता दें तो मुझे और महारानी के दरबार में सभी भक्तों का ये अपने शब्दों से अपने भक्तों अपनी वाणी से हम आनंद मनाएंगे। जय माता। सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
जिसके दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने कहा कि शिव महापुराण कथा सुनने से पापी को भी शिव धाम में जगह मिल जाती है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भगवान शिव की साधना और सेवा के मार्ग व भक्ति की शक्ति से शारीरिक व्याधियों से मुक्त होने के उपाय बताए। इस अवसर पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, नारायण सेवा समिति से हरेकांत झा, अजय मल्होत्रा, जीवन शर्मा, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, मायाराम पांडे, सुरेंद्र, वीपी सिंह शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत गिरी। इसलिए उनके प्राकट्य की कथा वर्णन की गई इसके पुराण, उनके प्राकट्य की कथा वर्णन की गई, उनके आविर्भाव कथा वर्णन की गई, उनके विवाह की कथा वर्णन की गई, पार्वती के साथ कैसे उनका विवाह होता और गृहस्थ धर्म कैसे पालन कर रहे हैं, भगवान शंकर भी गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं। ये हमारे प्रश्न है। शौनक ऋषि ने सुन जी से प्रश्न किया कि आप हमको ये सब बताइए और भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, भगवान से प्रेम बढ़े, ऐसा भी रास्ता होता है। इसलिए भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के अपने नारद जी ने भी इसी प्रकार से एक बात शिव रूपी साक्षात विष्णु से, और जो विष्णु है ना वो भी साक्षात शिव के रूप है। सुरेंद्र सहगल जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं, उनके आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुरेंद्र सहगल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, मेयर जगदीश राजा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व CPS KD भंडारी, वरिष्ठ भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी, श्रीकंठ जज अमित सहगल सहित पारिवारिक सदस्यों में पत्नी अंजू सहगल, राहुल सहगल, सुमित सहगल, शैरी सहगल, नताशा सहगल सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुरेंद्र सहगल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।